कितने समय तक जिंदा रहेंगे, और खाने के लिए अन्न ना मिले तो कितने समय तक आप जिंदा रहने वाले हैं, और ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए तो कितने समय तक इस दुनिया का अस्तित्व टिके रहने वाला है। तो ये प्रकृति ने आपको सांस लेने के लिए प्राणवायु दिए हैं और जीवन जीने के लिए पानी दिया है, और जीवन जीने के लिए अन्न दिया है, और जीवन जीने के लिए नाना प्रकार की सुविधा आप लोगों को दी है। लेकिन हम लोग स्वार्थ में और ज्यादा चाहिए ऐसा करके प्रकृति का अत्यधिक दोहन करने लगे। फिर चाहे जंगलों की कटाई की बात हो, मेरे साथी हंसते जंगलों का उदाहरण दे रहे थे, फिर चाहे जमीन को खोदने की बात हो, पहाड़ों को खोदने की बात हो, या नदियों पे बड़े डैम बनाने की बात हो, तो क्या हुआ है उससे? हुआ ये है कि असमय वर्षा हो रही है, या अत्यधिक वर्षा हो रही है, या अम्लीय वर्षा हो रही है, या बाढ़ आ रही है, या तूफान आ रहा है, या ओलावृष्टि हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी आ रहे हैं, ये तो दूर दूर आप, इसलिए आपको ज्यादा एहसास नहीं होता है। लेकिन दुनिया में 2 साल पहले कोरोना महामारी ने विकराल रूप लेके आया था, तब लोग कह रहे थे कि सब कुछ ले लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे बहन को बचा लीजिए, मेरे माता को, मेरे पिता को, मेरे काका को बचा लीजिए, आपका पैसा, धन, दौलत, धर्म, पंथ कुछ भी काम नहीं आया था, और हम तरस रहे थे जीवन जीने के लिए। ये कुदरत का करिश्मा होता है। आप यदि प्रकृति को अमर्यादित रूप से दोहित करते रहेंगे तो ऐसे कठिन समय दुनिया के सामने आते रहेंगे। दूसरी जो बात है, ये जो चीजें प्रकृति ने बनाई है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, या किसी भी जाति का हो, लेकिन पानी चाहिए तो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, अन्न चाहिए तो चाहिए, ये जीवन चलाने के लिए कुदरत ने निर्माण किया है। क्या आप इसको फैक्ट्रियों में बना सकते हो? कुछ मात्रा में बना सकते हो ऑक्सीजन, लेकिन वो भी प्रकृति से लेना पड़ेगा आपको। मुझे बताइए, यदि किसी के पास में जानकारी हो तो दुनिया की कौन सी फैक्ट्री में अन्न का उत्पादन होता है? नहीं होता है। तो फिर जीवन जीने के लिए सबको ये चीजें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन देश में क्या हो रहा है? देश में ये हो रहा है कि गरीबों को ठगा जा रहा है, गरीब पानी के लिए तरस रहा है। आप देखिए, ग्रामीण इलाके में आप बड़ा डैम बना देते हो, लेकिन वो पानी कहाँ जाता है? ये सोचने का विषय है। जब बिजली का उत्पादन होता है तो बिजली कहाँ जाती है? ये सोचने का विषय है। और जो डूब प्रभावित होते हैं, अब चंद पैसे देके उसको विस्थापित कर देते हैं, उसकी जमीन पे आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उसकी कईयों पीढ़ियां वहां से जीवन चला के आई है, और कईयों पीढ़ियां उसकी उस जमीन से जुड़ी हुई जिंदगी गुजारने वाली थी। आपने उसका सौदा कैसा किया? क्या गाइडलाइन है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पैसे देके भूल गए? आपने जमीन पे बदले जमीन देने की बात की थी, लेकिन उनको न्याय नहीं दिया। वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन जो डैम बना है ना, ये नीतियों का खामी है, किसी भी जनप्रतिनिधि या उसकी खामी नहीं है। यदि उनकी जमीन ली आपने, डैम बनाया, एक ही उदाहरण दे रहा हूं मैं, डैम बनाया, उस पे आपने, आप जिंदगी भर ताउम्र उससे आय का अर्जन कर रहे हैं, क्या उसमें से कुछ हिस्सा आजीवन उसको नहीं दे सकते हो? यदि ऐसा करोगे तो उसके साथ भी न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, लेकिन इस देश में ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो जैसे कि सरदार सरोवर डैम बना, लाखों लोगों ने आंदोलन किया, आप नहीं माने, कोई बात नहीं, आपने गाइडलाइन जारी की, आपने सर्वे किया, आपने रेखांकित कर लिया, फिर भी आपका मन नहीं भरा, और किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए
वहां का गेट, ऊपर के गेट खोल दिया और नीचे के गेट बंद कर दिए बड़े डैम के। उससे विकराल रूप लिया ये जल ने और कई मकानों को जलमग्न कर लिया। उनके खाने का अन्न, उनका रहन सहन अस्त व्यस्त हो गया। और फिर आप आपके कहते हो कि आप मुआवजा ले लीजिए 5,000-10,000, लेकिन उसकी भावना के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ किया आपने ये नहीं जानते हो। फिर भी मेरे देश की जनता इतनी अच्छी है कि बार बार आपको मौका देती, आप सुधर जाओ करके, लेकिन फिर भी आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, आप भूल जाइए कि आप एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, पीएम हैं, लेकिन कुदरत का जब वार चलता है ना, तो उसके सामने वो न तो गरीब देखती, ना अमीर, महिला ना पुरुष, न हिंदू, न मुस्लिम, सिख, न जैन, न पारसी, बौद्ध। बड़ा डैम टूटता है ना, तो सारे नीचे के लोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम बड़े डैम नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब ये नहीं कि डैम मत बनाओ, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही आप उसको रोकिए, नहीं तो आपके शरीर में जैसे अलग अलग नशे हैं, नशों में रक्त का प्रवाह होता है, आप कुछ नशों को रोक दीजिए या काट दीजिए, फिर जिंदा रहिए, फिर दिखाइए, ऐसा ही ये कुदरत है। लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे हैं और बड़े बड़े डैम बना रहे हैं। दूसरी जो बात है, जो प्रकृति की बात कर रहा था मैं, तो प्रकृति का हमको ये इतना सुंदर सा जीवन दिया है और उसमें भी हम नसीब वाले हैं कि हम इंसान का, मानव का जन्म लिए हैं, तो जो कर्ज हमारे ऊपर प्रकृति का है उसको चुकाएं और उसका मान सम्मान करें। जितनी आवश्यकता है उतना प्रकृति से लीजिए और बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ दीजिए, तभी हम सबका जीवन सुरक्षित रहने वाला है। दूसरी जो बात है, संविधान और लोकतंत्र, जो आज की तारीख में भारत देश की बात करें तो खतरे में है। आप देखिए, मेरे साथी यादव जी बता रहे थे कि यहां पर खाइयां पैदा की जा रही है, गरीब की और अमीर की, महिला की और पुरुष की, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। अरे भाई, देश का बजट बनता है तो क्या ध्यान में रखते हैं आप? आप जनसंख्या को ध्यान में रखते हैं, आप वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन देश में आप लड़वाने का काम करते हो। और तो और, जिस संविधान के बलबूते पे आम जनता का मत लेकर आप वहां बैठे हो, वो संविधान की देन है, लेकिन उसी संविधान को बदलने की बात कर रहे हो और उसी संविधान की प्रतियां देश की राजधानी में जलने देते हो। आपके लिए वो कानून का उल्लंघन नहीं है, वो देशद्रोह नहीं है, फिर भी वो स्वतंत्रता से वो लोग घूमते हैं जो संविधान की प्रतियां जलाते हैं। और यहां गरीब आदमी छोटी मोटी गलती कर दे तो कालर पकड़ के लठ मार के खुलेआम ले जाते हो, थाने में ठूस देते हो, जेल में ठूस देते हो। ये कौन सा कानून, कौन सा तांडव मचा के रखे हो आप कानून बनाते हो तो कानून बनाते टाइम पे सभी वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए, चाहे विद्यार्थी हो, महिला हो, पुरुष हो, मजदूर हो, किसान हो और व्यापारी वर्ग हो। लेकिन आपका ध्यान तो देश के चंद उद्योगपति की ओर है। ये मैं किसी एक विशेष व्यक्ति या विचारधारा के लिए बात नहीं कर रहा हूं, आपका ध्यान चंद उद्योगपति के लिए और इशारा करते हुए कानून बना रहे हो और रातों रात कानूनों का ड्राफ्टिंग हो जाती है और उस पर डिबेट की बात आती है, तो जो सच बात बोलने वाला होता है उसको आप सदन से बाहर कर देते हैं। अभी विगत दिनों 140 से ज्यादा सांसदों की सदस्यता निरस्त कर देते हो। किसने अधिकार दिया है आपको? दूसरी जो बात है, मध्य प्रदेश की, ये कानूनों का उल्लंघन खुलेआम इस देश में हो रहा है, चाहे किसी भी वर्ग विशेष का हो। मुझे बताइए, पिछले 20 सालों में रोजगार के कितने साधनों का सृजन हुआ? नहीं हुआ। एसटीएससी ओबीसी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली है, और ये जो नौजवान साथी हैं, इनमें से कई सारे ऐसे साथी हैं जो डिग्री करने के बाद में 5-5, 10-10, 15-15 साल हो गए हैं कि हमको अभी नहीं,
अगले साल ये सरकार नहीं वो सरकार, लेकिन आप विज्ञप्ति या भर्ती करने का नाम नहीं लेते हो। और जब ये बच्चे भोपाल जाते हैं और हमको रोजगार चाहिए ऐसा करके बोलते हैं, तो आप उनके ऊपर लाठियों की बरसात करते हो। कौन सा न्याय है ये? आप उनसे दो मिनट इत्मीनान से बात कर लीजिए, उनकी जायज मांग को मांगिए। ये लोकतंत्र का मूल्य होता है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। तो फिर आपको जिसने शासन करने का अधिकार दिया उन्हीं की भावना के साथ में खिलवाड़ करते हो। तो ये जो देश में चल रहा है इसके लिए हम सब लोगों को, चूंकि मैं आदिवासी समाज से आता हूं, संघर्ष मेरा आदिवासी समाज से चालू हुआ, लेकिन उससे ऊपर उठ करके यदि हम बात करते देखते हैं तो देश और प्रदेश किसी एक वर्ग विशेष से नहीं चलता है। आप उससे ऊपर उठिए, अपनी जाति से, अपने धर्म से, और मानवता और इंसानियत के लिए सोचिए और इस देश के हित में सोचिए। तो ये जो नौजवान बेरोजगार है, चाहे किसी भी समाज और समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके लिए रोजगारों का सृजन होना चाहिए। इस देश में सबसे ज्यादा रोजगारों की यदि संभावना है तो खेती में, लेकिन आपकी शिक्षा व्यवस्था को देखिए, आपको सबसे ज्यादा MBA बनाने की चिंता है, सबसे ज्यादा आपको टेक्निकल पर्सन की चिंता है। क्यों? क्योंकि वो उन उद्योगपतियों को ये उद्योग चलाने के लिए, मैनेजमेंट देखने के लिए इन लोगों की ज्यादा जरूरत है, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था 70% एग्रीकल्चर पे आधारित है। और सबसे ज्यादा यदि रोजगार का सृजन हो सकता है तो खेती पे हो सकता है, लेकिन देश में कितने कृषि महाविद्यालय हैं और उसमें भी क्या पढ़ा रहे हो आप? जैविक खेती के बारे में पढ़ा रहे हो? नहीं पढ़ा रहे हो आप। रासायनिक खाद, रासायनिक बीज, रासायनिक दवाइयां, इसके बारे में पढ़ा रहे हो जो हम लोगों को जहर दे रहे हो? आप देखिए, विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय हुआ, जब शांति की अपील हुई और जितने रासायनिक हथियार थे उन पे प्रतिबंध लगा, तो फिर उसका क्या किया आपने? उसका खाद बनाया और उसकी दवाइयां बनाई और सबसे पहले विकसित कंट्री में इसका प्रैक्टिकल किया। और जब अमेरिका की जमीन बंजर हो गई तो आपके विकासशील देशों की तरफ ये जितने भी रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयां है वो भेज दी गई, और इसलिए कि तुम्हारी भी जमीन बंजर हो जाए। लेकिन हमको भी चूंकि शासन की नीतियां ऐसी, नीतियां कैसी खामी है इसमें कि यदि कोई भी वस्तु बनाता है, सबसे ज्यादा सबके लोगों के हाथ में मोबाइल है क्योंकि इसके बगैर लोगों का जीवन ही नहीं चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसके बगैर भी जीवन संभव है। ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी जब मोबाइल की कीमत तय करती है तो क्या करती है? जो फैक्ट्री है उसका भाड़ा, जो मजदूर लगे, जो कर्मचारी है उसका भाड़ा, उसके पार्ट्स, जितने लगने वाले खर्चे सबको जोड़ दिया और ये मोबाइल आपका 10,000 में तैयार हुआ, तो उसकी कीमत क्या 10,000-8,000 रहेगी? नहीं, उसकी कीमत 12,000-15,000-20,000 रहेगी, अर्थात लाभ जोड़ के उसकी कीमत तय करते हो। और इस मोबाइल की कीमत कौन तय करता? आप खरीदने जाते आप तय करते या बेचने वाला तय करता? जो कंपनी बना रही या बेचने वाला तय करता है। ऐसी वस्तुएं जो नहीं भी होगी तो जीवन चल जाएगा, उसकी कीमत बेचने वाला तय करता है, ठीक है? लेकिन जिससे जीवन नहीं चल सकता है, अन्नदाता जो है किसान, उसकी फसल की कीमत कौन तय कर रहा? खरीदने वाला या बेचने वाला? खरीदने वाला। आपकी मर्जी पड़ी है तो 7,000 रुपए क्विंटल काटन बेचिए, और नहीं तो घर में ले जाके रखिए। और वो भी कीमत कैसे तय होती है? समर्थन मूल्य जब तय होता है, आपके खेती का किराया, आपके लगने वाले पूरे मानव श्रम और लगने वाले खाद बीज दवाई निंदाई गुड़ाई कटाई, उसको बोरे में भरने का खर्चा और यातायात जहां मंडी में और जहां मार्केट में ले जाते हैं, वो जोड़ते हैं क्या? नहीं जोड़ते हैं। लेकिन उठा के कह देते हैं, जैसे कि अभी सबके वचन पत्र में आया, ये नीतियों की खामी है। क्या कह देते हैं कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2,200 रुपए, वेरी गुड, आपने कुछ नहीं सोचा। और जैसे ही आप 2,200 रुपए का गेहूं बेचते हैं और हम आंदोलन करते, मान लो उसका भाव क्या हो जाता है? 3,000 रुपए क्विंटल हो जाता है। तो क्या आटा सस्ता हो जाएगा, बिस्किट सस्ती हो जाएगी? नहीं, उसकी कई गुना ज्यादा वो बिस्किट और आटे की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये देश की नीतियों में खामियां हैं।
तो इस पे बात करने के लिए, इस पे काम करने के लिए नौजवान पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, देश के बौद्धिक वर्गों को आगे आना पड़ेगा, जो देश का सच्चा सबूत है, जो सच्चा समाज को बचाने की बात करने वाला है, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाने की जवाबदारी हम सबकी रहेगी, तब जाके हम न्याय की लड़ाई लड़ पाएंगे। नहीं तो आपको जाति के नाम पे लड़वाएंगे, धर्म के नाम पे लड़वाएंगे, वर्ग के नाम पे लड़वाएंगे और वो लोग राज करेंगे और चंद लोगों उद्योगपतियों के इशारे पे इस देश में काम होगा। तो साथियों, इस देश में जो अभी माहौल है, युवा वर्ग परेशान है या खुश है, मुझे बताइए, परेशान है या खुश है? परेशान है। मजदूर वर्ग खुश है या परेशान है? परेशान है। व्यापारी वर्ग, छोटा वर्ग परेशान है या खुश है? फुटपाथ पे जो दुकान लगाता है परेशान है या खुश है? और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो परेशान है या खुश है? परेशान है। उनकी बात करने के लिए किसी के पास में वक्त नहीं है, उनकी खैर खबर लेने के लिए उनके पास में किसी के पास में वक्त नहीं है, इसलिए हम ये यात्रा निकाल करके गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को भावना को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की समस्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं और इसके दरमियान जो चीजें हमको सीखने को, हम सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं, इस दरमियान में जो चीजें हमको सीखने को मिलेगी, जहां जहां जो समस्या है, जब भी उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा वहां पर रखने का प्रयास करेंगे। आप हताश और निराश मत होइए, इस देश में सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले लोग अभी भी जिंदा है, बस डर रहे हैं। वो डर इसलिए रहे हैं कि यदि सही बात करने वाला व्यक्ति बाहर निकलता है तो इस देश के हुक्मरान उनके ऊपर नाना प्रकार के षड्यंत्र रच के और केस लगा के उनकी आवाज को बंद कर रहे हैं, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल गलत ढंग से कर रहे हैं। लेकिन कब तक करोगे आप? जब सारी जनता रोड पे आ जाती है तो फिर किसी की नहीं चलती है। आप भी मत भूलिए, अति का अंत होता है। और ये जो बात करने वाले नौजवान साथी आप देख रहे हैं, जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह पे धरना हो रहे हैं, इस संकेत को समझिए, भूख किसी को सहन नहीं होती है। यदि आप खीर पूरी खा रहे हैं, अच्छा भोजन पका के खा रहे हैं और एक आदमी भूखा है, साइड से देख रहा है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ज्यादा दिन तक वो देखेगा नहीं, फिर छीन के खाने लगेगा, क्योंकि भूख भूख होती है। तो साथियों, यहां जो आप लोग सुन रहे मेरी बात को, हम बात कर रहे हैं तो मसीहा हो गए ऐसा नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है, हम सबको मिलकर बाहर निकलना पड़ेगा। जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, इनकलाब जिंदाबाद करने वाले लोग हैं, आप निकलिए बाहर, कोई तो शुरुआत कीजिए, एक ही से शुरुआत होती दुनिया में हमेशा और उसके बाद में वो लाखों करोड़ों तक संख्या जाती है। तो ये हम गांव गांव जाकर जन जन तक बात करके जगाने का प्रयास यही कर रहे हैं। हो सकता इस लड़ाई को अंजाम तक हम नहीं ले जा पाए, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक ये युवा ले जाएगा या आने वाली पीढ़ियां ले जाएगी, और नहीं तो फिर ये संविधान जो खतरे में है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि ये संविधान को हम मिटा देंगे और कुछ कानून इस देश में लागू कर देंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो साथियों, जैसे कि इस देश में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, गांव गांव घूम के विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चालू किया था, संत टुकड़ो जी महाराज ने इसमें जो गांव के लोकतांत्रिक मूल्य बचना चाहिए ऐसे करके देश के गांव गांव तक घूमे थे और देश का अध्ययन करने के बाद में बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उन आंदोलनों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं, कोई छोटी मोटी बात करने के लिए निकले हुए नहीं। इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपकी परीक्षा की घड़ी होगी, आपको जेल के अंदर फूसा जा सकता है, हम लोगों के बीच में से कई सारे साथियों को कोई कुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और सत्यता की लड़ाई को लड़ने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। यदि गोली चलने होगी तो सीने पे चलेगी, पीठ पे नहीं चलेगी, ये हमको जज्बा रखना पड़ेगा। तो साथियों, कई सारे लोग, उनको डर लगता है कि ये सच्ची बात करने के लिए निकले हैं और लोगों को सही चीज समझ में आ जाएगी
तो हमारी सत्ता हाथ से चले जाएगी, इसलिए हमको कहीं कहीं पे डिस्टर्ब करने का भी प्रयास करते हैं। हम बोल रहे हैं कितना डिस्टर्ब करोगे आप, हम तो निकल पड़े हैं, जब तक जिंदा रहेंगे हमारे जैसे कई सारे साथी इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, ये समाज का युवा साथी ले जाएगा, ये तो इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। यदि सच्चे लोग आ जाएंगे तो ये सारे युवा एक हो जाएंगे, और ये जो धर्म के रूप में लोगों को बांट के रखा है और आप धर्म के नाम पे जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग सच्चाई भी जानते हैं, क्योंकि मानवता और इंसानियत इस दुनिया में जिंदा है। इसको दरकिनार करते हुए अन्याय अत्याचार दमन शोषण के लिए लोग निकल के आने वाले समय में, मैं मेरी बात को यहाँ खत्म करूंगा, बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन इलाके के लोगों से मैं इतना ही चाहूंगा कि आपने जितना प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, यदि वक्त पड़े तो हमें याद कीजिए, हमारे यहाँ पर जैसे टीम राजन मंडलोई और जो भी अच्छे लोग हैं यहाँ पर, किसी भी पंथ धर्म संप्रदाय के हो यहाँ पर है, उनको याद कीजिए, और यदि हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता की जरूरत पड़े, आधी रात को ये कार्यकर्ता आपके बीच में आएगा, क्योंकि मैंने मेरे साथ में अभी जो चल रहे हैं ना पूरा परिवार, मेरी धर्म पत्नी, मेरा साला है, मेरा भाई है, और मैं जब यात्रा लेके घर से इंदौर से गांव के लिए गया था तो घर पे मेरे बच्चे और मेरी पत्नी ने आरती उतारी, और जो गांव गया तो माता पिता और भाइयों ने आरती उतारी और समाज के लिए मुझे दे दिया है, इसलिए मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाके लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं नारे के साथ में अपनी बात को पुनः ख़त्म करूँगा, और जो आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, जो मालाओं से गला भर रहे हैं, वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है, मेरे जो साथ में चल रहे हैं, जैसे साथ वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सेवानिवृत्त लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, उनके सबके ऊपर जवाबदारी बढ़ रही है। ये माला पहन लेना और खुशियाँ मना लेना, टाटा बाय बाय कर देना, इतिश्री नहीं है, यहाँ से नई जवाबदारी चालू होती है आपकी। तो बड़वानी की जनता ने मुझे जो प्यार दुलार दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इस एहसान को हम ताउम्र याद रखेंगे, और आपकी बात के लिए जब भी जरूरत पड़े, जहाँ आप लड़ेंगे वहीं हम भी आपके साथ में आकर लड़ेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से यहाँ के लोगों का हम शुक्रिया अदा और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और यात्रा के साथ में जुड़ने का निवेदन करते हैं। नारों की आवाज़ बुलंद होना चाहिए, ताकि जो लोग बेईमान हैं, जो लोग राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए, जो लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोग प्रकृति के ऊपर व्यापार बड़ा खड़ा करना चाहते हैं, जो देश की मूल संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं, उनको ये आवाज़ जाए कि ये लोग अभी जाग रहे हैं और आने वाले समय में पूरी तरह से जाग जाएंगे, हमको अपना दिशा बदलना पड़ेगी, मार्ग बदलना पड़ेगा। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर होना चाहिए, ताकि ये ताकत आपको भी मिले। मुट्ठी बंद करने से ताकत आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और मुझे ऐसा लगता है मुट्ठी जब बंद करते तो मैं लड़ सकता हूँ, ऐसा ही सबको लगता है। तो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत के साथ में जयकारा करेंगे, ताकि ये यहाँ पे आंख कान सभी लोग लगे हुए, उनके माध्यम से आपकी बात दिल्ली भी जाए और भोपाल भी जाए। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संस्कृति प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युवाओं की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। युवाओं की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। नारी शक्ति की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। नारी शक्ति की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। किसानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। छोटे व्यापारियों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। छोटे व्यापारियों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अरे जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे जोर जुर्म के टक्कर में धन्यवाद।